हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, और आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को जानने वाले हैं। आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला नंबर पर इसके कार्य है केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य, और दूसरे नंबर पर आते हैं इसके साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। केंद्रीय बैंकिंग संबंधी क्या कार्य है इसके? तो पहले नंबर पर आता है नोट निर्गमन का कार्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य में इसी का कार्य इसका यही है कि नोट निर्गमन का कार्य करता है। 2 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक के सभी नोट का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह सरकार का प्रतिनिधित्व है। तो देश और विदेश में यह भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। भारत सरकार के एवज में यह बैंकों को ऋण प्रदान करता है, भारत सरकार को भी ऋण प्रदान करवाता है। साथ ही साथ यह सरकारी रुपए का स्थानांतरण भी करता है, बैंकों के बैंक का कार्य भी करता है, और साथ ही साथ यह विनिमय नियंत्रण का कार्य भी करता है। आइए जानते हैं इसके पांचवा कार्य की। तो यह समाशोधन गृह का कार्य करता है, यानी कि क्लियरिंग हाउसेस के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में 855 क्लियरिंग हाउसेज हैं, और यह आज के समय में अगर आप डाटा को गूगल करेंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। साथियों, अगर इसका छठा कार्य की बात करें तो यह विभिन्न सूचनाएं तथा आंकड़े प्रकाशित करता है। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से विभाग बनाया हुआ है। इसका विभाग है सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए अन्वेषण तथा समंक विभाग, जिसका कार्य होता है सूचनाएं और आंकड़ों को समय समय पर प्रकाशित करते रहना। साथियों, 7वें नंबर पर इसका कार्य आता है कृषि साख व्यवस्था करना, क्योंकि भारत एक कृषि विकास देश है। तो भारतीय केंद्रीय बैंक होने के नाते यह कृषि के रूप में, कृषि के उन्मुखीकरण के रूप में नए नए कार्य करता रहता है। जैसे कृषि साख की समस्याओं का अध्ययन करना, कृषि साख की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, आवश्यकता पूर्ति के लिए साधनों का प्रबंध करना। साथियों, इसका 8वां कार्य है औद्योगिक वित्त व्यवस्था करना, और फिर आता है इसका कार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और लास्ट में आता है साख नियंत्रण कार्य। आइए चलते हैं इसके अगले कार्य को जानते हैं, जैसे साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहला साधारण बैंकिंग संबंधी क्या कार्य होते हैं? जमाएं स्वीकार करना। आरबीआई भी अन्य बैंकों की तरह जमाएं स्वीकार करता है। बिल संबंधी व्यवहार का करना, यानी कि यह बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में जैसे 90 दिन तक की जो मैच्योरिटी रखने वाले बिल होते हैं उनको भुना सकता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का सेल्स और परचेस करता है, और इसकी सदस्य बैंकों के कम से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय आराम से कर सकता है। कृषि बिलों का भुगतान यह करता है, विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करता है जिनकी मैच्योरिटी 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय का, जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो इस बैंक द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिभूतियों की जमानत पर अधिक से अधिक 90 दिन की अवधि के लिए विदेशी बैंकरों को भी ऋण प्रदान किया जा सकता है। साथियों, हम छठे कार्य की बात करें इसके, तो आप देख पा रहे हैं कि विदेशी बैंकों को ऋण प्रदान करना, जिसको अभी हमने डिस्क्राइब किया है। स्वर्ण का क्रय विक्रय करना, यानी कि इस बैंक द्वारा सोना तथा स्वर्ण मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना, यह बैंक रुपये पैसे प्रतिभूति तथा बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी वहन करता है। ऋण प्राप्त करना, भारतीय रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों अथवा विदेशी केंद्रीय बैंकों से 1 महीने तक ऋण ले सकता है। साथ ही साथ भारत सरकार को यह ऋण भी देता है। तो यह बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को 90 दिन की अवधि तक के लिए ऋण प्रदान कर सकता है। तो साथियों, ये थे भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्य। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।